नमस्कार, मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। मानेसर प्लॉट आवंटन मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। रोहतक, गुरुग्राम, पंचकुला और चंडीगढ़ समेत हुड्डा के करीब 20 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि हुड्डा सरकार पर करीब 400 एकड़ जमीन कम कीमत पर बिल्डरों को बेचने का आरोप लगा था, जिसे लेकर किसानों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। भूपेंद्र हुड्डा की मानेसर मुसीबत। मानेसर ने हुड्डा को मुश्किल में डाला। मानेसर को लेकर मुश्किलों में हुड्डा। भूपेंद्र हुड्डा पर सीबीआई का शिकंजा। भूपेंद्र हुड्डा के ठिकानों पर छापेमारी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर 10 साल के अपने कार्यकाल के दौरान कई जमीन घोटालों के आरोप झेलने वाले पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती जा रही हैं। और इस बार मुश्किलें बढ़ी हैं मानेसर के जमीन घोटाले को लेकर। मानेसर जमीन घोटाले के मामले में भूपेंद्र हुड्डा पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले को लेकर सीबीआई ने पूर्व सीएम हुड्डा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। शनिवार सुबह करीब 5 बजे सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की। रोहतक में डी पार्क पर बने पूर्व सीएम हुड्डा के घर पर सीबीआई ने छापा मारा। इसके साथ साथ गुरुग्राम, पंचकुला और चंडीगढ़ में भी हुड्डा के ठिकानों पर रेड हुई। पूर्व सीएम हुड्डा के कुछ करीबियों के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम ने छापा मारा। मानेसर जमीन घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी और उसी मामले की जांच के संबंध में सीबीआई ने हुड्डा और करीबियों के कई ठिकानों पर रेड की। चलिए आपको मानेसर जमीन घोटाले का वो मामला समझा दें जिसमें हुड्डा की मुश्किलें बढ़ी हैं। दरअसल आईएमटी के विस्तार के लिए प्रस्तावित की गई थी 912 एकड़ जमीन। 400 एकड़ जमीन को हुड्डा सरकार ने रिलीज किया था। जमीन निजी कंपनियों और बिल्डरों को देने का आरोप लगा है और सस्ते दामों पर जमीन बिल्डरों को देने का आरोप लगा है। जमीन की अनुमानित कीमत करीब 1600 करोड़ रुपए। 100 करोड़ में बिल्डरों को जमीन देने का आरोप। पूर्व सीएम हुड्डा पर लगा बिल्डरों को फायदा पहुंचाने का आरोप। किसान लंबे वक्त से जांच की कर रहे थे मांग। 12 अगस्त 2015 को मानेसर थाने में दर्ज हुई थी एफआईआर। सितंबर 2015 में मामला सीबीआई को भेजा गया। ये मामले सितंबर 2015 में सीबीआई के पास भेजे गए थे, जिसके करीब एक साल बाद सीबीआई ने मामले की जांच में सक्रियता दिखाते हुए भूपेंद्र हुड्डा के करीब 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। हुड्डा पर कई जमीन सौदों में अनियमितता बरते जाने के आरोप लगे हैं। ऐसे में मानेसर मामले में कई घंटों की इस छापेमारी के बाद हुड्डा की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। तो पूर्व सीएम हुड्डा के ठिकानों पर की गई कार्रवाई को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हुड्डा को सीबीआई जांच का स्वागत करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, अभी उसकी कार्रवाई चल रही है और कार्रवाई के चलते किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अब ये तो पिछली सरकार के समय में जिस प्रकार से इन्होंने संसाधनों की बंदरबांट की है उसको लेकर जांच हो रही है, सब कुछ सामने आ जाएगा। हुड्डा साहब तो छाती पर हाथ मार मार के कहते थे मेरी सीबीआई की जांच करा लो, हो रही है तो उनको वेलकम करना चाहिए।
तो अनिल विजय यहाँ पर कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा छाती पर हाथ मार मार के कहते थे कि मेरी सीबीआई जांच करवा लो, अब सीबीआई जांच हो रही है, छापे पड़ रहे हैं, तो उसका भूपेंद्र सिंह हुड्डा को स्वागत करना चाहिए। लेकिन इस विषय पर कांग्रेस की ओर से तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं, इसका विरोध भी किया जा रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस नेता मोहम्मद बिलाल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं दलबीर धनखड़, इनेलो प्रवक्ता। दलबीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में है। सबसे पहले हम चलते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी के पास। ज्ञानचंद जी, एक साल पहले यह पूरा मामला सीबीआई को दिया गया था, अब एक साल बाद सीबीआई छापेमारी कर रही है, इस छापेमारी को लेकर सबसे पहले आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए अवस्थी जी, ये जो मामला है मानेसर का, लगभग 400 एकड़ जमीन का, ये तो एक छोटा सा मैं कहूँगा कि नमूना है। पिछले 10 साल के अंदर भूपिंदर सिंह हुड्डा जी के राज में उन्होंने जिस प्रकार से किसानों की लगभग 73 हज़ार एकड़ ज़मीन सेक्शन 4, सेक्शन 6 और कई जगह सेक्शन 9 होने के पश्चात ज़मीनों को, किसानों को डरा करके उनकी ज़मीनों को हथियाया, ये उनमें से एक केस है। ऐसे तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे केस अभी सामने आने वाले हैं, और इस केस के अंदर पर्टिकुलर लगभग 1500 करोड़ रुपए का ये घोटाला हुआ है। किसानों को डरा करके सेक्शन 4 किया, सेक्शन 6 किया और सेक्शन 9 किया, उसके बाद किसानों से वो ज़मीन, ये जो बिचौलिए हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उनके द्वारा खरीदी गई, और फिर वही ज़मीन जो है वो, जिसकी कीमत लगभग 1500 करोड़ रुपए थी, वो जो है अपने लोगों को, जो अपने चहेते थे, उनको दे दी गई। इस प्रकार से किसानों की ज़मीन कौड़ियों के भाव लेकर के और बड़े भारी प्रॉफिट के अंदर उनको लोगों के अंदर बेचा गया। ये जो CLU हुए हैं पिछले 10 साल के अंदर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्वाय CLU के ये देने के और कोई काम तो किया ही नहीं। और आज मैं समझता हूँ कि लगभग एक साल के पश्चात, एक साल पहले जो किसानों ने जो एक शिकायत की थी कि हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती हमारे से हथियाया गया है, आज उस चीज़ की जो कार्रवाई है, मैं समझता हूँ कि CBI सामने लेकर के आ रही है, और जो तथ्य आज तक सामने आए हैं उनके आधार पर लगता है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, जो मैं समझता हूँ कि बार बार ये कहते हैं कि एक इंच ज़मीन मैंने गलत नहीं की, आज ये 400 एकड़ ज़मीन किस प्रकार से सेक्शन 4, सेक्शन 6 और सेक्शन 9 के पश्चात ये ज़मीन जो है बिल्डर्स को दी गई, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो भी अधिकारी बीच में शामिल हैं, जो भी प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन सब के यहाँ छापेमारी की गई है, और यहाँ से डॉक्यूमेंट्स जो भी मिलेंगे उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कार्रवाई सरकार करेगी। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, यहाँ पर बीजेपी नेता ज्ञानचंद गुप्ता कह रहे हैं। हम चलते हैं सीधे दलबीर धनखड़ जी के पास, इनेलो के प्रवक्ता। दलबीर जी, आप लोग भी बार बार आरोप लगाते रहे, लगातार आरोप लगाते रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर, 10 साल के कार्यकाल में CLU सरकार ने सिर्फ किया, किसानों की जमीन कौड़ियों के दाम ली गई और बेची गई। अब जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है, 20 जगहों पर छापेमारी या CBI कर रही है, क्या आपको उम्मीद है कि जो आरोप आप लगाया करते थे वो सही साबित होंगे? धनखड़ साहब, अवस्थी जी धन्यवाद। पहले तो मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी को एक बात बताना चाहूंगा, ज्ञानचंद गुप्ता जी विपक्ष में नहीं बैठे हैं, आज वो सरकार चला रहे हैं, आज वो भाजपा को बोल रहे हैं, वो एक तरह से विपक्ष की बोल रहे हैं। तो मेरे बड़े भाई ने वैसे अच्छी बातें बताई हैं, जो हम आरोप लगाते रहे थे वो जो बातें उन्होंने दोहराई, परंतु मैं एक बात आज बताना चाहूंगा। आज इंडियन नेशनल लोकदल एक बात से बहुत खुश है, जो उन्होंने एक मेहनत करके चार्जशीट बनाई थी, आपको ध्यान होगा एक चार्जशीट हमने हर चैनल को दी थी, विपक्ष में होते हुए हमने राज्यपाल जी महोदय को दी थी, आपको पता है विधानसभा में दी थी, मुख्यमंत्री जी को दी थी, और हमारी हेडलाइन थी चार्जशीट लिखे एक्सपोजिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन हरियाणा अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चीफ मिनिस्टर हुड्डा। ये हमने दी थी, चैलेंज किया था इस चार्जशीट को, किसी भी कोर्ट में हमारे प्रमाण हानि का दावा कर सकते हो, जो कि कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान हानि का दावा करेंगे, हमने चैलेंज किया था इस बात का, आप कर सकते हो, हम तैयार बैठे हुए हैं। आज बस एक ही बात की खुशी है, देर आए दुरुस्त आए, वो मुद्दे उठने शुरू हो गए हैं, और बातें जो चार्जशीट में क्यों की शुरुआत हुई है, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा।
2004 में चौटाला सरकार ने आईएमटी मानेसर के विस्तार के लिए 912 एकड़ जमीन प्रस्तावित की थी और अधिग्रहण की प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। 400 एकड़ जमीन 2007 में आते-आते भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार ने रिलीज कर दी। तब तक यह जमीन निजी कंपनियों नेता और बिल्डर किसानों को ओने कोने भाव दाम में खरीद चुके थे। जमीन मानेसर नकड़ोला और नोरनपुर गांव की थी। रिलीज होते मार्केट रेट से 15 गुना महंगी और सरकारी रेट से 100 गुना महंगी हो गई थी। किसान लंबी समय तक अपने साथ हुए धोखे के खिलाफ इधर उधर फरियाद कर रहे थे। आखिरकार 12 अगस्त 2015 को मानेसर थाने में इस बारे में FIR दर्ज हुई। सितंबर 2015 में ही मामला CBI के पास भेज दिया गया। मैं तो एक बात ज्ञानचंद गुप्ता जी से आप जोड़ के पूछना चाहता हूँ, देरी क्यों? हमने तो बहुत बड़ी सवाल की ज्ञान गुप्ता जी, देरी कहाँ है? देरी हम तथ्यों के आधार पर कोई भी कार्रवाई करेंगे, किसी के खिलाफ बदले की भावना से नहीं या किसी के खिलाफ उसको फंसाने के लिए नहीं, तथ्यों को सबूतों को इकट्ठा करने के पश्चात और उनको जो कोई भी कार्रवाई है वो पुख्ता सबूतों के साथ हमारी सरकार करेगी। ऐसे किसी को फंसाने के लिए या किसी के कहने के ऊपर हम आरोप लगाने से केवल वो नहीं हो जाता। अब तथ्य कुछ सामने आए हैं, CBI ने भी कुछ ना कुछ तथ्य एक साल के अंदर इकट्ठे किए हैं और आज उन्होंने कार्रवाई की है। आप जो ये आरोप लगाते हैं कि हम कर दिया कि CBI जांच कर रही है, तथ्य इकट्ठे किए जाएंगे और तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। हर जनसभा के अंदर कहा था कांग्रेस के पास सरकार से इन्होंने हुड्डा जी ने मोहम्मद बिलाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहम्मद बिलाल जी, आपने कांग्रेस बीजेपी को भी सुन लिया, आपने इनेलो को भी सुन लिया, अब आप बताइए कि बीजेपी जगह पर कार्रवाई की जा रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुश्किल में फंसे दिखाई पड़ रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया कांग्रेस की? कोई मुश्किल की बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ये CBI के जो छापे हैं या उससे पहले की जो कार्रवाई है, ढींगला आयोग को इन्होंने बिठाया, उन्होंने उनको फायदा पहुंचा करके अपने मन मर्जी की आयोग के ऊपर हमने पहले भी सवाल खड़े किए थे, क्योंकि ढींगला आयोग को इन्होंने, उनका जो ट्रस्ट था उसको सरकार ने अपना फायदा पहुंचा करके उन्होंने अपने ट्रस्ट के लिए निजी उसके लिए, और ढींगला आयोग का तो गठन ही बिल्कुल सरासर इल्लीगल था, क्योंकि जिस ट्रस्ट के वो अपने चेयरमैन हैं, वो जो किसी अपने ट्रस्ट का कोई जो चेयरमैन होता है वो किसी आयोग का अध्यक्ष हो ही नहीं सकता। रह गई बात CBI के छापों की, ये सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। सरकार अपनी द्वेष भावना को लेकर के काम कर रही है। 154 वादे इन्होंने किए थे, हमें जनता को ये बताए ये सरकार के 154 में से कितने वादे पूरे किए। और रह गई बात सेक्शन में, ये 912 एकड़ की बात कर रहे हैं, मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। छापों पे बोलिए, CBI के छापों की बात जो ये कह रहे हैं कि धनखड़ जी ने जैसे कहा 912, ये कोई भी सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री ने वो जो जमीन अलॉट की थी वो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से दी थी। CBI को कुछ नहीं मिलने वाला, CBI छोड़ो कोई भी छापा डाल ले कुछ नहीं मिलेगा इनको। बाद में वही ढाके 3 बात इनको मिलेंगे, सिर्फ इनकी बदले की भावना है और कुछ नहीं है। जनता का ध्यान भटकाना है और अपनी नाकामियों को छुपाना है। रह गई नहीं, मैं आपको बता दूं, जो भी ये सेक्शन 4 या सेक्शन 6 की बात है, जो भी जमीन इक्वायर की जाती है पहले सेक्शन 4 का नोटिस दिया जाता है, उसके बाद सेक्शन 6, उसके बाद में सारी औपचारिकताएं पूरी होती हैं। किसानों को अगर कोई भी उसमें दिक्कत थी, कोई भी उनको परेशानी थी, वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। ये गाइडलाइन बनी है सेक्शन 4 और सेक्शन 6 और सेक्शन 9। ज्ञानचंद गुप्ता जी, जब विरोध दर्ज कराया उसके बाद ही CBI जांच हो रही है। वक्त नोटिस ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। बातचीत हमारी लगातार जारी रहेगी। आखिरकार जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बार बार कहा यह जा रहा है कि देश की भावना से कार्रवाई की जाएगी, क्या कितनी सच्चाई इसमें है? और अगर किसान आरोप लगा रहे हैं, किसान बार बार जांच की मांग रहे हैं, ऐसे में सरकार अगर जांच करवाती है उसमें गलत क्या? वक्त छोटे से